हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लूमिंग बर्ड। आज हम लोग जा रहे हैं कर्सियांग। अचानक से प्लान हुआ नाश्ता करते हुए, तुरंत इन्होंने बोला कि चलो कर्सियांग चलते हैं, तो हम लोग निकल गए कर्सियांग के लिए। और आज है भाई दूज का दिन। सिलीगुड़ी से बाहर निकलते हुए ही मिलिट्री एरिया आता है, जहाँ पे शूट नहीं कर सकते हम लोग, कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर सकते। और ये हम लोगों की मस्ती चल रही है गाड़ी के अंदर, तो वह सब कर रहे हैं हम लोग। सिलीगुड़ी के चारों तरफ टी गार्डन, बहुत ही सुंदर सुंदर टी गार्डन है, तो बस यहाँ पे कुछ क्लिप्स हैं उसी की, बहुत सुंदर है ये। जब हम लोग कर्सियांग पहुँचने लगे तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे व्यू और ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है। तो ये है कर्सियांग तक पहुँचने का नज़ारा। अब हम लोग कर्सियांग पहुँचने वाले हैं। वो जो दिख रही है ना सिटीज जैसा थोड़ा सा, वो कर्सियांग ही है। कर्सियांग के पास ही मार्गरेट डेक एक टी स्टॉप है, जहाँ पे वैरायटीज ऑफ टीज मिलती हैं। वहाँ हम लोग गए थे लेकिन वो भाई दूज की वजह से बंद था, बिकॉज़ वहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं सब नेपाली हैं और नेपालियों का ये बहुत बड़ा त्यौहार है, इसलिए वो बंद था। अब हम लोग का अचानक से प्रोग्राम बन गया दार्जिलिंग जाने का, कर्सियांग कैंसिल। और ये है घूम स्टेशन, यहीं से टॉय ट्रेन निकलती है जो सिलीगुड़ी तक जाती है, वहीं से आती भी है और यहीं पर इसका स्टॉपेज है। अब हम लोग दार्जिलिंग में एंट्री कर गए। दार्जिलिंग पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 2:30 हो गया था, इसलिए हम लोगों ने यहीं का एक लजीज मॉल रोड पे ही है, लजीज अफेयर करके छोटा सा है, बहुत अच्छा है। यहाँ का खाना आगे भी हम लोगों ने यहाँ पे खाया हुआ है। हम लोगों ने वहाँ पर लंच लेने के लिए वहीं रुके हम लोग। फिर हम लोग मॉल रोड पे गए। ये है दार्जिलिंग का मॉल रोड, अच्छी भीड़ थी यहाँ पे। इसी से आगे जाके हम लोगों ने मेफेयर है, उसमें हम लोगों ने रूम के लिए सोचा था कि वहाँ पे हम लोग रहेंगे, लेकिन पूरे बुक थे, वहाँ पे नहीं मिला। फिर हम लोग न्यू एल्गिन होटल में गए, वहाँ पे भी हम लोग को रूम नहीं मिला। फिर हम लोग लास्ट में रामाडा गए, लेकिन अभी हम लोग यहाँ का नज़ारा का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे सीन इतना सुंदर था, देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग पहले कर्सियांग गए थे, अब हम लोग है दार्जिलिंग में। ये है रामाडा, यहाँ पे हम लोगों ने 2 रूम लिया, बहुत अच्छा है। यहाँ का रूम भी बहुत अच्छा था। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, देखिए कितना सुंदर व्यू है, सनराइज हो रहा है धीरे धीरे। बस सिर्फ यहाँ पे इसका ही मज़ा है, हम लोग दार्जिलिंग इसको देखने के लिए ही आते हैं।
ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से हम लोग मॉल रोड गए। आज ही दिन हम लोग हॉर्स राइडिंग भी की, क्योंकि कल हम लोगों ने नहीं किया था। तो हॉर्स राइडिंग सिर्फ डिम्पल और उनके पापा ने की, मैंने और परिंदी ने नहीं की। दार्जिलिंग के मॉल रोड में ये महाकाल मार्केट था। यहाँ पे मतलब कि स्ट्रीट मार्केट टाइप में लगा रहता है। तो हम और परिधि ने बस यहाँ से ऐसे ही विंडो शॉपिंग की, लिया कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही जा रहे थे क्योंकि उन लोग उधर से घूमते हुए आ रहे थे तो हम लोग इधर से जा रहे थे। डिंपल मॉल रोड से बाहर निकलते हुए ही हैंडीक्राफ्ट शॉप थे, बहुत सुंदर सुंदर उसमें सामान थी। तो हम लोगों ने कुछ वहां से विजिट किया, लिया कुछ भी नहीं। तो बस यहीं तक थे हम लोग दार्जिलिंग में। अब वापस चलते हैं सिलीगुड़ी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।